आज बाड़ी पे यूं नजर गई और देखा तो खूब सारा कच्चा पपीता है। तो बड़ा मन किया कच्चा पपीता का भुजिया खाने का और आपसे शेयर करने का। तो मैंने यह कच्चा पपीता का स्लाइस स्लाइस कर लिए और तड़के के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्ची ले लिए और मैंने हाई फ्लेम पे कढ़ाई रख दिया। फिर मैंने यहाँ डाला ऑयल, फिर 5 फ़ोरन का तड़का दिया, फिर हरा मिर्ची और 2 प्याज बारीक बारीक यानी पतला पतला काट के मैंने इसका इसको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया। और देखिए यहाँ क्या फ्राई हो रहा है, मैं क्या मस्त का ये चमचा चला रही हूँ देखिए। और जब ये अपना रंग बदलने लगेगा, जैसे मौसम बदलता है आजकल धूप बारिश, वैसे ही जब ये अपना रंग बदल देगा, ये जब व्हाइट से ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे कच्चा पपीता जो हमने स्लाइस करके इसको साइड लगाए थे। तो मैंने यहाँ डाल दिया कच्चा पपीता और हम लोग डालेंगे यहाँ नमक अनुसार, कहते हैं ना नमक अनुसार और बात औकात अनुसार वैसा करना चाहिए। और मैंने यहाँ डाल दी हल्दी, हल्दी हम लोग अच्छा खासा डालेंगे। आप चाहते हैं तो इसमें हम लोग गरम मसाला भी डाल दें, तो वो मैंने स्किप कर दिया, आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको खूब चलाया, सबको एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स मैक्स कर लिए ना। और फिर मैंने इसको यहाँ पे, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है ये करछू चलाने में यानी चमचा चलाने में, बहुत फ्राई 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 करके मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही इसको घुमा दिया। और फिर मैंने यहाँ डाला टमाटर, फिर टमाटर डाल के भी मैंने इसको खूब सारा घुमा दिया। और मैंने यहाँ डाला आधा मग पानी, आधा मग पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक लगा दिए और मैंने इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया। अरे यहाँ तो फिर मैंने चमचा चला दिया, तो मैंने इसको फिर ढक के पका दिया और गैस का आँच मैंने लो फ्लेम में रख दिया। फिर मैंने 10 मिनट के बाद देखा तो ये कुछ इस तरह दिख रहा था, वाह 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 क्या बात है जी। और फिर मैंने इसको फिर ढक दिया। फिर कुछ 5 मिनट बाद जब इन्हें अपना पानी सोख लिया यानी पानी सब भेपर बन के उड़ गया, तो मैंने फिर अपना जादुई चम्मच हिलाया क्विंग 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 करके। और फिर मैंने इसको अच्छे से भुनाई किया जब तक पूरा पानी टोटली सूख ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। और फिर मैंने यहाँ पे जो टमाटर खड़े खड़े थे उसको खूब सारा पीस दिया, इसको पीसी दिया मैंने उसी पे कढ़ाई पे। और मैंने यहाँ फिर अपने जादुई चम्मच चलाया और फिर मैंने इसको ऑर्डर 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 करते हुए अपना चम्मच में लगा हुआ पपीते को झाड़ लिए और फिर मैंने आँच बंद कर लिया और झाँप लगा दिया। थैंक यू।